स्वागत है आपका एनबीएसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबर के साथ। कनकुलपुरा दंगे के मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईन को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा के मलिक का बगीचा में अवैध धार्मिक स्थल ध्वस्त करने के दौरान हिंसा भड़काई थी। उग्रवादियों ने पथराव करते हुए पुलिस के साथ ही नगर निगम और मीडिया कर्मियों पर हमला बोला, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए थे। इसके अलावा बनभूलपुरा थाने के साथ साथ कई सरकारी और निजी वाहनों को भी फूंक दिया गया था। बता दें, स्थिति नियंत्रण करने के लिए प्रशासन को यहां कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। साथ ही आपको बता दें, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि बनभूलपुरा हिंसा से जुड़े उपद्रवियों को गिरफ्तारी के लिए 6 पुलिस टीमें गठित की गई थी। तो देश के अलग अलग राज्यों, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। उक्त गठित टीमों में से एक टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने दंगे में वांछित अभियुक्त अब्दुल मोईन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। लाल किले में सब बस इतना ही। बने रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।